If m denote the number of five digit number, if each successive digit are in the descending order of magnitude and n is the corresponding figure, when the digit are in the ascending order of magnitude, then m minus n has the value is. So let's see how we are going to solve this question. सबसे पहले मैं क्वेश्चन का पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है. देखिए वो आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे दो डाटा हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं. एक तो m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m. और m एक्चुअली है क्या? m है वो नंबर ऑफ वेज जब आप फाइव डिजिट के ऐसे नंबर फ्रेम करें जिनकी सारी डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. m इज फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना. m इज फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर. और n इज द नंबर ऑफ वेज व्हेन द डिजिट्स फाइव डिजिट नंबर आर इन ascending order. ये आपका ascending order में होना चाहिए. और आपको find out करना है what is the value of m minus n. तो देखिए question को थोड़ा और समझ लेते हैं. देखिए वो ये बोल रहा है कि आप randomly कोई five digit के number बनाइए. अब या तो वो ascending, उनकी जो digits हैं वो ascending order में होनी चाहिए या फिर descending order में होनी चाहिए. तो चलिए मैं पहले ascending order को आपको explain करता हूँ. मान के चलिए आपने ये डिसाइड किया है कि आप जो डिजिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनमें या तो आप वन यूज करेंगे, टू, थ्री, फोर और फाइव, ये पांच डिजिट यूज करने जा रहे हैं. लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे विजुअल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि केवल और केवल एक ही डिजिट पॉसिबल है, विच इज वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव. मतलब आप किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए केवल और केवल एक ही डिजिट बना सकते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में होगी. सिमिलरली अब जैसे मैंने यहाँ पे डिजिट डिसाइड की है 27861, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइव डिजिट का असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट बनाता हूं, ओनली द वन केस इज पॉसिबल विच इज 1, 2, 6, 7 एंड 8. मतलब किसी भी फाइव नंबर्स के लिए आप केवल और केवल एक ही फाइव डिजिट का नंबर बना सकते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में होगा. लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि आप उन पांच डिजिट में से एक डिजिट को जीरो यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों? अगर आपने जीरो यूज किया और अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो ये फाइव डिजिट का नंबर नहीं होगा, इट इज अ डिजिट ऑफ द नंबर फोर. ये फोर डिजिट का नंबर बनेगा. मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जीरो को इंक्लूड नहीं किया जा सकता. एक ये पॉइंट आपको याद रखना है. लेकिन जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अरेंजमेंट कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर की फाइव डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो जीरो को इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि जीरो को लास्ट में जाना होगा उस केस में. अब जैसे मैंने यहाँ पे 54207 ये पांच नंबर यूज किए हैं तो नंबर मेरा फॉर्म हो रहा है 75420, मतलब जीरो लास्ट प्लेस में जा सकता है. ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पर जीरो यूज नहीं किया है, लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग ए नंबर 98432. यहाँ भी एक नंबर मिल रहा है और एक ये नंबर है 54321 जो कि मैंने 12345 को यूज करके बनाया है. अब इन दोनों केसेस में एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट है. जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर के नंबर बना रहे हैं, तो जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर के नंबर बना रहे हैं तो जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. और एक और कंसेप्ट कि किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए केवल और केवल एक ही नंबर पॉसिबल होता है. सो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले मैं एम को कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं एन को कैलकुलेट करूंगा. तो एम मेरे पास डाटा था जब मैं नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर रहा हूं. तो इस पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास नंबर अवेलेबल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और इन 9 में से कोई भी 5 नंबर आप यूज करके जब भी कोई डिजिट बनाएंगे तो वो 5 डिजिट की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जा सकती है. तो इसके नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं 10c5 के. अब बात करते हैं, ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, ये आपके पास हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए. और अब अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं, इफ यू वर्क फॉर द असेंडिंग ऑर्डर, then the number of ways are n is equal to 9c5. reason, ascending order में 1 को include नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैं आपको ऊपर ही समझा चुका हूं. so this is the value of n. now we have to calculate the value of m minus n. तो चलिए देखते हैं कि m minus n हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो m minus n, m हमारे पास है 10c5, ये है 9c5. अब आप देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR के बराबर होता है. Means 10C5 को आप लिख सकते हैं 9C4 plus 9C5. ये डाटा आपका 9C5 है और यहाँ पे ये 9C5. तो 9C5 से 9C5 कैंसिल हो गया एंड योर आंसर इज 9C4.